सांस नहीं आ रही है। हाँ जी, शुशु। अच्छा मम्मा भी करवाती है उनको। अच्छा उधर देख के बता दो हाय हाय। नायरा हाय कर दो। नायरा बेबी हाय से हाय हाय। मम्मा शुशु अभी मम्मा साफ कर देगी, अभी कर देगी मम्मा। ओके हाय। बस 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 बस। सांस नहीं आ रही है। लग रहा होगा कि आज मैं बाहर कैसे हूँ, है ना। तो आज है रिलैक्सेशन 8 to 11 AM तक। तो अभी मैं आई हूँ बाहर ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, और जो हमारा थोड़ा सा 2-3 काम थे उसके लिए आई थी मैं। तो मैं आज आपको लेके आई हूँ कालीबाड़ी, जो कि हमारे शिमला का कालीबाड़ी है। तो आइए मैं आपको लेके आती हूँ। तो ये है हमारा कालीबाड़ी का मंदिर, जो कि अभी भी बंद है, जबकि अभी नवरात्रे चल रहे हैं और आज है 2nd डे नवरात्रे का, और वो अभी क्लोज़ है क्योंकि कोरोना वायरस के करके। तो ये देखिए दोस्तों कैसे खाली पड़े हैं सारे रास्ते, और अभी 11 o'clock होने में 10 minutes रह गए हैं, और अभी हम घर नहीं पहुंचे हैं, हम रास्ते में हैं, बस हम जा रहे हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से दिख रहा है जाकू मंदिर, जो कि जाकू मंदिर के जो हनुमान जी हैं वो दिख रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये दिख रहे हैं आपको, ये जो है हनुमान जी है, ये जाकू मंदिर के। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ शिमला का प्यारा सा सुंदर सा नज़ारा। और ये हमारा इतना सुंदर सा जो शिमला है वो बिल्कुल अभी वीरान पड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पे टूरिस्ट की भरमार लगी रहती है। मैं आपको जब ये लॉकडाउन ख़त्म होएगा ना तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना टूरिस्ट भरा रहता है, और अभी बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। चलते चलते मेरी नज़र पड़ी कि एक सुंदर सी बर्ड यहाँ पे ना चर्पी कर रही थी, और मैंने सोचा चलो मैं जल्दी से वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ भी शेयर करूँगी। और देख रहे हो आप कितनी प्यारी लग रही है, और जब मैं इसको देख रही थी ना बहुत सुंदर लग रही थी, वीडियो में आ नहीं पा रही है। और फिर ये चलते चलते कोरोना वायरस से ना घबराएं का इतना बड़ा बोर्ड लगा था, मैंने सोचा चलो शेयर करती हूँ। और फिर घर आने के बाद खाना खाया, रोटी बनाई और घर वालों को भी खिलाई। फिर घर आने के बाद मैंने जो भी कपड़े जो पहने थे, जो हम पहन के गए थे बाहर, वो सारे वॉश करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि बैक्टीरिया वायरस जो भी उन कपड़ों पे चिपका होगा तो उसे थोड़ी देर भी नहीं और पहन सकते थे, क्योंकि फिर और बच्चे भी हैं घर में, तो इसलिए सब उनको वॉश करने डाल दिया था मैंने। और ये मैंने उसके बाद अपना वही नाइट सूट का कुर्ती जो है मेरी, वो मैंने पहन ली थी। मैंने सोचा अब कौन बार बार चेंज करे, वही पहने रहती हूँ क्योंकि घर में ही तो रहना है। और मेक श्योर गाइस आप भी अपने हर आधे घंटे में हैंड वॉश करते रहें, और अच्छे से हैंड वॉश करें, और सैनिटाइज़र यूज़ करें, और बच्चों को भी प्रोटेक्ट करके रखें, और बाहर ना जाएं बिल्कुल भी। स्टे होम, स्टे सेफ। और ना पता है गाइस क्या करना है, आपने ना परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी कि लॉकडाउन है और हम कहीं बाहर नहीं जा सकते, इसके चक्कर में बैठे बैठे बस बोर हो रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ रिप्रोडक्टिव सा कुछ कर लो, DIY कर लो, क्लीनिंग कर लो, मम्मा की हेल्प करो, और अगर आप मैरिड हो तो अपने हस्बैंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये टाइम हमें नहीं मिलता, डेली लाइफ में हमें नहीं मिलता है ये टाइम, हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो ये हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, तो आप अच्छे से टाइम स्पेंड करो और मस्ती करो, मजाक करो। मैं खुश हुई हूं कि बंगला में जो चाल चली है सेफ होने के लिए आकांक्षा के साथ जाके, उस चाल में वो खुद ही फंस चुकी है। रिलैक्सेशन टाइम। मेरी बैक पे बड़ा पेन हो रहा था, तो मेरे हब्बी अभी यहाँ पे जो मसाजर है उससे मेरी मसाज कर देते, जिससे कि पेन में रिलीफ मिले, और वाकई में इससे बड़ा रिलीफ मिला मुझे। उसके बाद हमने डिनर किया, और उसके बाद नायरा मायरा को सुलाया है, तो आप देखिए ये नायरा मायरा मेरी सो गई हैं, और इनके मुंह में फिर उसके बाद दूध लगाया, जिससे कि ये सोए सोए दूध पी लें, क्योंकि पीती नहीं है ये। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।